Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture, we started studying about the Pandyas. First of all, we studied the source of Pandya rule, that is the Sangam literature, right? Then it was the epigraphic, and then foreign sources, like us waqt jo foreigners wagera aaye the, unhone likha tha. First of all, the Chinese historian Huang, usne apne kingdom mein Pandyas ke bare mein likha tha. राइट फिर वो वियतनाम ट्रैवलर आया था मार्को पोलो उसने भी फिर पांड्या किंगडम के बारे में लिखा था फिर तमिल लिटरेसी सोर्स बहुत से तमिल वर्क में जैसे कि आयरनगर अगर पोलो उसमें भी पांड्यास के बारे में मेंशन किया हुआ है एंड संस्कृत लिटरेचर सोर्स में मतलब महाभारत रामायण में भी पांड्यास का वर्णन किया है इनफैक्ट इट इज़ सेड दैट कि बाबा रावण और पांड्या किंग दोनों ने पीस ट्रीटी साइन की थी सो पांड्या ऑक्यूपाइड द टेरिटरी कंसिस्टिंग ऑफ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मदुरा तेन्नेवेली पार्ट ऑफ त्रिचिनोपल्ली एंड सम टाइम ऑल्सो ऑफ त्रेवेनकोर नाउ विल मूव टूवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ द पांड्यास नेदम चेलियम चेलियान द एंशंट तमिल लिटरेचर मेंशंस many rulers who belong to an extremely early period see abhi the ancient tamil literature usme kya hai rulers ke bare mein bola gaya hai jo belong to the early bahut pehle us purane the unke bare mein bola hai however the first pandya king about whom some definite information can be given was nedam chelyan see however the first pandya king about whom some definite information can be given was Nedam Chelyan see अभी जो पहला पांड्या किंग है जिसके बारे में अपने को कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट वॉज द नेदम चेलियम ही लिव्ड इन द सेकेंड सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन इरा सी वो कहाँ रहता था ही लिव्ड इन द सेकेंड सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन इरा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट अ रिमार्केबल फीचर ऑफ द पांड्या स्टेट एट दैट टाइम वॉज द मेंटेनेंस एट मदुरा ऑफ द त्रिवेली लिटरेसी एकेडमी और संगम हुज मेंबर्स प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ वेरी सुपीरियर क्वालिटी सी ही लिव्ड इन द सेकेंड सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन इरा तो एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि बाबा एक फीचर पांड्या स्टेट का उस वक्त का क्या था वॉज द मेंटेनेंस एट मदुरा ऑफ द लिटरेसी और द संगम हुज मेंबर प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ वेरी सुपीरियर क्वालिटी moving towards the next point kundungan it is not possible to write a connected history of the pandya kingdom during the early centuries of the christian era see abhi possible hi nahi hai ki baba inke bare mein history likhna kya pandya kingdom ke bare mein at the time of the christian era uske baad us waqt ka pandya kingdom ke bare mein likhna history se connect karna aaj possible nahi hai Kundungan ruled from 530 to 620 AD. See, Kundungan, it ruled from 590 to 620 AD. Unfortunately, we do not have any information about them. See, अभी ये कुंडुगांव के बारे में अपने पास आज कोई information नहीं है. All that is known is that he surpassed the Kalabrar who had altogether overshadowed the Pandya realms before. एक अपने को पता है इन्होंने कलाभार से आगे गए थे और आगे जाके पांड्यास रिलीम बिफोर या फिर पांड्यास आए थे यहाँ पे देन अरिकेसरी मरवामन ड्यूरिंग हिज रूल द पांड्या पावर एक्सपांडेड एट द कॉस्ट ऑफ छेरा सी ड्यूरिंग हिज रूल क्या है पांड्या पावर एक्सटेंडेड एट द कॉस्ट ऑफ छेरा देर ऑल्सो स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पांड्यास एंड द पल्लवास सी यहाँ पे क्या हुआ अभी पांड्या पावर ने क्या किया दे स्टार्टेड एक्सपांडिंग और फिर वो छेरास केस में भी जाने लगे एंड देन वॉट हैपन देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पांड्यास एंड द पल्लवास ही वॉज अ ब्रेव एंड ग्रेट सोल्जर एंड ही वोन अ स्पेक्टेकुलर विक्ट्री एट नेलविल दैट इज तिन्नावेली अभी ये जो मारवन है क्या है
ही वॉज अ ब्रेव एंड अ ग्रेट सोल्जर, वो एक ब्रेव था और एक ग्रेट सोल्जर था, और उसकी विक्ट्री भी हुई एट नेलवेली, दैट इज तिन्नावेली. कोच्चादियन कन्हाधीरा, कोच्चादियन रिड्यूस्ड एन आर्मी चीफ एट मर्दूर. अ हिल कंट्री बिटवीन तन्नीवेली एंड त्रिवेंकोरी. कोच्चादियन क्या किया है? उसने आर्मी इन चीफ कम कर दिया एट मार्दूर. मार्दूर क्या है? ये एक हिल कंट्री है, लाइक हिल स्टेशन जैसा है, बिटवीन तन्नीवेली एंड त्रिवेंकोर. ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द कॉन्गो कंट्री एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ कॉन्गर कॉमन. और उसने टाइटल लिया कॉन्गर कोमल. मरा वर्मन रैया सिम्हा वन. मरा वर्मन सक्सेडेड हिज फादर रणाधीरा. सी मरा वर्मन व्हाट हैपेंड? ही सक्सेडेड हिज फादर रणाधीरा. ही हैड टू कैरी ऑन अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर अगेंस्ट द पल्लवास. सी उसने पल्लवा के अगेंस्ट क्या किया? काफ़ी टाइम तक वॉर चालू था उसका पल्लवा के अगेंस्ट. देर वॉज सम प्रॉब्लम इन द पल्लवा किंगडम ऑन अकाउंट ऑफ कंटेंडर क्लेम टू द थ्रोन एंड राजा सिम्हावन डिसाइडेड टू अवेल ऑफ द चांस. सी अभी क्या हो रहा था पल्लवा किंगडम में? क्या हो रहा था यहाँ पे इन द पल्लवा किंगडम? क्या कहता था? कुछ तो क्लेम के लिए, थ्रोन के लिए, राजा बनने के लिए थोड़ा सा इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा था. तो उसी वक्त क्या हुआ, राजा सिम्हा ने क्या किया, इसी सिचुएशन का एडवांटेज उठाया. मतलब देखा कि यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, तो सब कुछ थोड़ा वीक रहेगा, कोई किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे. इसी चीज़ का उसने क्या किया, राजा सिम्हा ने क्या किया, फ़ायदा उठाया. ही टुक अप द कॉज ऑफ चित्रमन्या हु वॉज क्लेमेंट टू द थ्रोन एंड वेंट टू वॉर अगेंस्ट द पल्लवास. सी उसने क्या किया, उसने चित्रमया जो थ्रोन के लिए लड़ रहा था उसको लिया साथ में, और क्या किया, उसने पल्लवा के अगेंस्ट वॉर कर दिया. ही स्टार्ट आउट वेरी वेल एंड नॉट ओनली डिफीटेड द पल्लवास किंग बट ऑल्सो प्रेजेंट हिम एट नंदीपुरा. सी उसने स्टार्ट तो बहुत अच्छे से किया और उसने पल्लवास को डिफीट भी कर दिया यहाँ पे, राइट, और आगे बढ़ते बढ़ते नंदीपुरा तक चला गया वो. हाउएवर द सिचुएशन चेंज्ड वेरी रैपिडली विद द अराइवल ऑफ उदय चंद्र द पल्लवा जनरल ऑन द सीन. सी अब ये क्या रहा, अब पल्लवास तो यहाँ पे, अभी पल्लवास तो क्या पे हार गए, और ये सिचुएशन, ये जो पांड्या की सिचुएशन थी ऐसी अच्छी नहीं थी. वैसे क्या हो गया, वक्त बदलते देर नहीं लगती, सुना होगा, सब ऐसा ही हुआ. जब अराइवल ऑफ उदय चंद्र द पल्लवा जनरल ऑन द सीन, द लेटर सक्सेडेड नॉट ओनली इन सेविंग नंदी वर्मन बट ऑल्सो वॉज एबल टू किल चित्रमन्या. सी अब क्या हुआ, पांडव का नया लीडर आ गया, नया राजा बन गया, और क्या हो गया, ये चित्रमन्या का जो फ़ायदा उठा के जीत लिया था उसने सब कुछ, उसको मार भी डाला. इन स्पाइट ऑफ दिस द पांड्या पावर कंटिन्यू टू ग्रो. सी अब पांड्या पावर क्या हो रहा है, इट इज़ कंटिन्यूंगली ग्रोइंग अप. पांड्या पावर इज कंटिन्यूसली कमिंग अप नाउ. राजा सिम्हावन वॉज एबल टू कॉन्कर कॉन्गो कंट्री एंड बियॉन्ड. सी राजा सिम्हा क्या है, नाउ इज एबल टू कॉन्कर कॉन्गो कंट्री एंड बियॉन्ड. ही ऑल्सो क्लेम्ड विक्ट्री ओवर द वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बदामी. सी अब क्या हो गया, ही ऑल्सो क्लेम्ड अ विक्ट्री. अब उसने जीत भी लिया वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बदामी, इसके अगेंस्ट भी उसने विक्ट्री पाई पांड्यास ने. नाउ नेक्स्ट इज द वन गुना वन. वन गुना वन हु सक्सेडेड राजा सिम्हा वन रूल्ड फ्रॉम 565 टू 815 AD. वन गुना वन, हाँ, जो राजा सिम्हा के बाद अभी राजा बन गया है वो कब तक रूल किया, ही रूल्ड फ्रॉम 765 टू 815 AD. ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट इम्पीरियलिस्ट ऑफ हिज डायनेस्टी. सी
ये वन गुना वन को क्या बोलते हैं, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पीरियलिस्ट ऑफ हिज डायनेस्टी. ड्यूरिंग हिज रूल द स्ट्रगल बिटवीन द पांड्यास एंड द पल्लवास स्टार्टेड वंस अगेन. जब ये वन गुना राजा और बना था तब क्या हो गया, द स्ट्रगल बिटवीन द पांड्यास एंड पल्लवास स्टार्टेड वंस अगेन. अब क्या है, पल्लवास और पांड्यास के बीच में फिर से जंग छिड़ गई. द पल्लवा किंग एंटर्ड इन टू एन कोलिएशन विद द रूलर ऑफ कॉन्गो एंड केरला. सी अभी जो पल्लवा का किंग था, हाँ वो अंदर आ गया, वो आ गया इसके स्टेट में, वन गुना के एरिया में आ गया. उसके साथ कौन कौन था, कॉन्गो एंड केरला. हाँ बट डिड नॉट हेल्प इशू, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ. द पल्लवास वेर डिफीटेड एट पन्ना कादम. बट देखो उसके साथ कॉन्गो और केरला, इन ये रूलर भी साथ में थे, पल्लवास के थे, बट फिर भी क्या किया, पांड्यास ने उनको डिफीट कर दिया. राइट, कहाँ पे डिफीट किया, एट पन्ना का दम. वर्गुना ऑल्सो रिड्यूस द आर्मी चीफ द अधिगमास ऑफ तागादुर एंड द कॉन्गो कंट्री. सी वर्गुना क्या है, ऑल्सो रिड्यूस द आर्मी चीफ द अधिगमास ऑफ तागादुर एंड द कॉन्गो कंट्री. द आउटकम वॉज दैट ही बिकेम द सोवेत लॉर्ड ऑफ तंजूर. सी अब इसका आउटकम क्या था, ही बिकेम द लॉर्ड ऑफ तंजूर. तिरुचुला पल्ली सेलम एंड कोयमतूर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो साउथ त्रेवेंकोर. सी अब क्या हो गया, अभी वो भगवान बन गया. कहाँ पे बन गया, लॉर्ड ऑफ तंजूर. तिरुचा पल्ली सेलम कोयमतूर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो ऑफ सदर्न त्रेवेंकोर. नेक्स्ट इज श्रीमार श्रीवल्लभा. श्रीमार हु सक्सेडेड हिज फादर वर्गुना वन रूल्ड फ्रॉम 815 to 862 AD. श्रीमार हु सक्सेडेड हिज फादर. अभी श्रीमार क्या हो गया, उसके पापा वर्गुना वन, जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा, उनके मरने के बाद उनका बेटा श्रीमार, ही केम ऑन द थ्रोन. ही रूल्ड फ्रॉम 815 to 862 AD. ही कंटिन्यूड द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ हिज फादर. उसके फादर कैसे थे, एग्रेसिवली सब कॉन्कर करने की ट्राई करते थे, एग्रेसिवली ही डिड एवरीथिंग. एग्रेसिव था इसीलिए तो उसने पल्लवा को डिफीट कर पाया एट पन्नागादम. तो ये अपने पापा की तरह ही एग्रेसिव था और उसने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई. ही इन्वेडेड साइलॉन. अभी वो साइलॉन तक पहुंच गया. ओके, इन ऑर्डर टू चेक द पांड्यास पावर ऑफ कन्फेडरेशन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द पल्लवास गंगास मगदास छोलास कलिंगा कलिंगास एक्सेट्रा वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ पल्लवा रूलर. सॉरी अभी यहाँ पे इन ऑर्डर टू चेक द पांड्यास, अभी उसको पांड्यास देखना था, पांड्यास की पावर देखनी थी, तो उसने क्या किया, उसने पल्लवा गंगास मगदास छोलास कलिंगास इन सब के लीडरशिप के अंडर क्या हुआ, एक पल्लवा रूल और कनाउस हो गया. हाउएवर द पांड्या रूलर वॉज सक्सेसफुल टू डिफीट देम ऑल एट कुंदा मुक्कुल. सी अब पल्लवास मगदास ये सारे एक हो गए क्योंकि पांड्यास बहुत पावरफुल बन गए थे. फिर भी देखो इतने सब एक साथ होने के बाद भी क्या हुआ, पांड्यास रूलर वॉज सक्सेसफुल. पांड्या लोग ही सक्सेसफुल थे क्योंकि उन्होंने इन सब को डिफीट किया एट कुंदा मुक्कुल. द पल्लवास ट्राइड वंस अगेन एंड वेर एबल टू डिफीट द पांड्यास एट तेरारू नियर वंदी वॉश. सी अब पल्लवास भी बहुत ढीठ थे ना, हार ऐसे उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तो क्या किया पल्लवास ने फिर से अटैक किया पांड्यास पे और इस बार पांड्यास वेर डिफीटेड एट तेलारू. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द विक्ट्री ऑफ तेलारू वॉज अ टर्निंग पॉइंट and the Pandyas were defeated once again by the son of Nandi, the Pallava ruler. See, अभी एक चीज़ जानना ज़रूरी है, that the victory of Telaru, ये जो victory of Telaru थी, it was a turning point, एक turning point था और Pandyas यहाँ पर defeat हो गए और किससे, Pallava से. उस वक्त Pallava ruler कौन था, son of Nandi था, ये Pallava ruler था, उसने Pandya को यहाँ पर defeat कर दिया था. नेक्स्ट इज द वारा
Gunavarman. Varagunavarman II. Srimar was succeeded by his son Varagunavarma II and ruled from 862 to 880 AD. See, Srimar kya tha? He was succeeded by his son Varagunavarman II and he ruled from 862 to 880 AD. He tried to enhance the prestige of his dynasty by invading the Chola territory, but he was surrounded by a joint army of the Pallavas, Cholas and the Western Gangas. उसने क्या किया, अपने जो पांड्याज है उनका प्रेस्टीज बचाना था, उसको उनका प्रेस्टीज दिखाना था, अपनी डायनेस्टी की अपनी डायनेस्टी को बढ़ाना था, तो क्या किया वो चोलास के टेरिटरी में घुस गया ताकि चोलास के साथ वॉर करके उनके टेरिटरी जीत ले। बट क्या हो गया, ही वॉज सराउंडेड बाय द जॉइंट आर्मी ऑफ द पल्लवास, चोलास एंड द वेस्टर्न गंगास। द यूनाइटेड आर्मी वॉज लेड बाय द पल्लवा रूलर एंड द पांड्याज वर डिफीटेड एट श्री पूरम बियाम। सी, अब ये यूनाइटेड सब लोग एक हो गए, पल्लवास, चोलास ये सब एक हो गए, तो क्या हुआ, इन्होंने पांड्यास को डिफीट किया। और ये जब ये सब एक हुए तो इनका यूनिटी यूनाइटेड आर्मी ये कौन देख रहा था, पल्लवा रूलर ये यूनाइटेड आर्मी को देख रहे थे। एंड द पांड्यास वर डिफीटेड एट श्रीपुरम बियम। इट इज़ राइटली पॉइंटेड आउट दैट दिस वॉर रूइंड वर्गुना एंड द पांड्या एम्पायर। सी, ये जो वॉर हुआ था इस वॉर के बाद क्या हो गया, द पांड्या एम्पायर वॉज कम्प्लीटली रूइंड, मतलब खत्म, पांड्या एम्पायर का पास कुछ भी नहीं बचा था उनका। विल वाइंड अप द लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर प्रतका वीरानायना इसके बारे में पढ़ेंगे एंड द कॉइनेज ट्रेड एंड पर्ल फिशिंग। ये पांड्यास के बारे में ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक। ओके, मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माय मेल आईडी। थैंक यू।